नमस्कार, मैं हितेश गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एजुकेशन इंडिया में। बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के नए सियासी खेल की। इस बार सियासत के इस खेल में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल है। इसलिए भी शामिल है क्योंकि उद्धव ठाकरे को एमएलसी मनोनीत करने के पत्र को भेजे हुए करीब 20 से 25 दिन हो चुके हैं। नए प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, एक के ऊपर एक प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी की अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस और भाजपा कार्यकर्ता इन्हीं दिनों भगत सिंह कोश्यारी से बार बार मिल रहे हैं, बार बार मुलाकात हो रही है। क्या ये नया सियासत का पैंतरा है? क्या ये एक नया पैंतरा है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की सीट से बर्खास्त कर दिया जाए, इससे पहले कि वो इस्तीफा दे उससे पहले ही बर्खास्त कर दिया जाए? अब ये क्या नया खेल है कि पहले इस्तीफा दे? हाँ, पहले अगर इस्तीफा देंगे तो उद्धव की सरकार बच जाएगी। मुख्यमंत्री के सीट से अगर उद्धव ठाकरे खुद अपने मन से इस्तीफा दे दे, खुद ऑफिशियल रूप से अपना इस्तीफा दे दे, तो ये सरकार बच सकती है। अन्यथा अगर उद्धव सरकार को बर्खास्त किया जाता है तो उद्धव सरकार की सीट भी जाएगी, साथ ही साथ मंत्रिमंडल भी टूट जाएगा और इस प्रकार से इस नई सरकार हमें देखने को मिल सकती है। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी पाएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो हो। देश दुनिया से जुड़ी और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसी खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में बताते जाइए उद्धव वर्सेस देवेंद्र कौन अच्छा है? क्या फडणवीस सरकार या ठाकरे सरकार? किसके सरकार में विकास हुआ है? कौन सी सरकार बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट बनी है? कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको इसी मुद्दे के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने कल रात को नरेंद्र मोदी को फोन किया, और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे ने इस सियासी खेल की बात भी की। जवाब में नरेंद्र मोदी ने उद्धव को आश्वासन दिया और कहा कि आपके साथ सब कुछ सही होगा, सियासत का कोई भी खेल नहीं चल रहा है। और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ जो भी होगा वो सही होगा। इसका मतलब उद्धव डरे हुए, उद्धव सहमे हुए, और इस डरे सहमे पल में उन्हें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी याद आ रहे हैं। तो आपको बता दें, संविधान के अंदर एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता जब तक कि वो कोई विधायक ना हो, जब तक कि वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो। और उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री है, इसके अलावा ना तो वो विधायक है और ना ही सदस्य, यानी कि वोटिंग से चूज हुए कोई भी नेता नहीं है, किसी भी पद पर नहीं है। और इसी वजह से उद्धव के माथे पर अब चिंता दिख रही है, उनके ऊपर संकट आ चुका है। ये संकट है सरकार गिरने का, सरकार गिरने से ज़्यादा मुख्यमंत्री के पद को जाने का, क्योंकि चुनाव जब हुआ था तब उद्धव और फडणवीस में मुख्यमंत्री की जंग हुई थी, और तब भाजपा ने कहा कि हम बहुमत में हैं तो हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और आप को नहीं बनाएंगे। तब ऐसा ही हुआ था जब शिवसेना भाजपा से बागी हुई थी, और उस समय शिवसेना प्लस एनसीपी प्लस भारतीय नेशनल कांग्रेस ने मिलकर अपना महाविकास अघाड़ी एक गठबंधन किया था, और इसी गठबंधन के तहत उन्होंने सरकार बनाई थी। अब ऐसा हो सकता है कि MLC के नाम कहीं आ जाए, हर एक पार्टी अपने नाम भेजे और तीनों के बीच में फूट पड़े। फूट पड़ने से हो सकता है महाविकास अघाड़ी का अगाड़ा, तो इस प्रकार से ये गठबंधन भी टूट सकता है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात, धारा 164(4) जिसके तहत कोई भी मुख्यमंत्री सिर्फ 6 महीनों तक मुख्यमंत्री रह सकता है अगर वो कोई भी विधायक नहीं है और ना ही किसी सदन का सदस्य है। उद्धव ठाकरे कुछ इसी श्रेणी में आते हैं, और इसी वजह से 6 महीने उनके ख़त्म होने वाले हैं। 28 नवंबर 2019 का दिन
जब मंत्रिमंडल तय किया गया था, जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उस वक्त 6 महीने शुरू हो गए थे। ये घड़ी शुरू हो चुकी थी, ये समय शुरू हो चुका था। जो कार्य 5 महीनों में उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए, अब उनके सामने सिर्फ 1 महीना है। अगर इस कार्य को 1 महीने के अंदर वो नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में उनकी सरकार गिरना तय। ऐसे में उनके पास एक विकल्प यह भी है कि वो पहले इस्तीफा दे, उसके बाद फिर सरकार बनाए, फिर उनके पास समय आएगा, फिर वो किसी भी सदन के सदस्य बन सकते हैं। तो इस प्रकार से थी संपूर्ण खबर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करने का ऑप्शन भी आपके पास है, वो भी दबा सकते हैं। किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं, जो हमारे पास खबरें आई थी उनको दिखाने की कोशिश की गई है। वीडियो लाइए, अगर पसंद आया तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।